तो काफी बंदे ये कह रहे थे भाई कि तू स्कूटी बेच क्यों रहा है। एंड्रो क्या हो रहा है? तो ये रहे अपने सैल जी। हाँ जी सैल जी, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। ये रहा सैल जी का पेंसर और ये रहा अपना बैटमैन। बाकी आपको एक चीज दिखा देता हूँ, दिखा के देता हूँ, सुना देता हूँ। ये स्टार्ट ही है भाई फिलहाल, और ये सुनो भाई, इसमें जो है भाई स्टॉक एग्जॉस्ट लग चुका है। ये देखो भाई स्टॉक एग्जॉस्ट, जिन्होंने भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो किया उनको तो पता ही होगा भाई कब का समय स्टॉक की लगा दिया है। और अब तो भाई मैं ब्लॉग भी काफी दिनों के बाद ही बना रहा हूँ, और ये तो भैया पूरी स्टॉक की होगी, देख सकते हो नॉर्मल एग्जॉस्ट भी लग चुका है। और अब तो भाई पुलिस वालों का इसमें कोई सीन ही नहीं है, पुलिस वाले रुके तो रुक भी जाएंगे। थोड़ा बहुत भाई इसके बारे में बता देता हूँ आपको। सारे पूछ रहे थे भाई एग्जॉस्ट क्यों खुलवा दिया, उसका भाई कोई मेन रीजन तो है, बस ऐसे ही खुलवा दिया है एग्जॉस्ट भाई मैंने लगाया हुआ है, डेढ़ साल से भाई लगाया रखा था, अभी निकलवाया है। इसमें भाई एक्रोविक था, इसमें देख सकते हो इसमें एसी प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा कंपेयर करके बता देता हूँ दोनों को। काफी बंदे पूछते हैं माइलेज का क्या फर्क पड़ता है, माइलेज का भाई ज्यादा फर्क नहीं, बस थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता है, एक ही बराबर है। पिकअप भाई काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, और ये नॉर्मल वाला लगाने का तो पिकअप भाई इसका कम ही हो गया, स्टार्टिंग पिकअप भाई काफी कम हो गया, और टॉप एंड भाई थोड़ा सा कम लग रहा है, या फिर आवाज की वजह से लग रहा होगा। तो यहाँ पे एक माउंट भी लगाया है, जब भाई गोप्रो को माउंट कर सकते हैं। यहाँ के एंगल का शॉट्स दिखाता हूँ आपको, हेलमेट पे लगने वाला है। तो भाई फिलहाल गोप्रो जो है फिर से मैंने हेलमेट भी माउंट कर दिया है। यहाँ के शॉट्स भाई आपने देखे होंगे, कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसे शॉट्स लगे आगे। जब से भैया शॉट चेंज करवाया इसको भाई मैंने भगाया नहीं है, एकदम राम राम से जाता था, जहाँ भी जाता था भाई एकदम राम राम से जाता था 30-40 की स्पीड में। और इतने दिनों के बाद भाई इसको आज भगा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है भाई ये भगा ही नहीं रहा हूँ, एकदम आराम से चल रही है, क्योंकि भाई साउंड आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, और लग भी भाई ऐसा रहा है कि भाग ही नहीं रही है। और बाकी सैल जी का साउंड तो सुन ही सकते हो, ऐसी प्रोजेक्ट है जिसमें अच्छा है इस साइड, ये देखो भाग तो ये भी रही है भाई, पर पता ही लग रहा है भाई भाग भी रही है, क्योंकि भाई साउंड ही नहीं आ रहा है। देख सकते हो भाई एग्जॉस्ट के साथ पिकअप देख सकते हो, ऐसे भाई ये आगे निकलती थी इससे ज्यादा नहीं जा रही भाई ये, ऐसे भाई ये आगे रहती थी और ये सैलजी पीछे रह जाते थे, तो पिकअप का तो आपको पता ही लग गया होगा कि एग्जॉस्ट का भाई ज्यादा पिकअप रहता है। ये देखो ये भाग रही है, और भाई मेरे को लग ही रहा कि ये भाग भी रही है, जितना मर्जी कर लो भाई। ये देखो भाई, और जब भाई मैंने एग्जॉस्ट खोलने की स्टोरी डाली और नॉर्मल एग्जॉस्ट लगाया था, तो काफी बंदे ये कह रहे थे भाई कि तू स्कूटी बेच क्यों रहा है। भाई मैंने कब कहा कि मैं स्कूटी बेच रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ डालता नहीं बंदे, सोचते हैं भाई कि पता नहीं मैं इसको बेच रहा हूँ, इसको भाई मैं कभी बेचूंगा ही नहीं। और इसको देखो कैसे फ्लाईबैक मार के जा रहा है भाई ये, इसका साउंड तो भाई बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, पूरी साइलेंट हो गई है भाई ये, पर ऐसा है बस चलाने में थोड़ी सी स्मूथ लगती है और कुछ भी नहीं। इसका भाई स्टार्टिंग पिकअप और टॉप एंड पूरा कम हो गया है, बस मिड का थोड़ा सा बड़ा है। ये देखो भाई पूरी खींची है भाई, तभी ये आगे निकल रहा है बड़े आराम से। इस टाइम अगर भाई एग्जॉस्ट होता तो मजा आता, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे भाई, यहाँ से टर्न ले लेंगे। जब भाई यहाँ पे गोप्रो लगाया था एक टाइम पे, तो भाई इसका थ्रोटल ही लॉक हो गया, न कम हो रहा था भाई न ज्यादा हो रहा था, मैं कह ये क्या हो गया, और ये भागे जा रही है। और इसको देखो भाई, इतनी भगाई है भाई तब भी देखो भाई साउंड ही नहीं आ रहा, ना कुछ फील आ रही। और इसको खुलवाने का भाई कोई मेन रीजन तो था नहीं, बस ऐसे ही खुलवा दिया है और नॉर्मल लगा दिया है। एग्जॉस्ट नहीं है तो क्या हुआ, सैलजी फ्लाई तो हम भी मार सकते हैं, वो लग बात है साउंड नहीं आएगा, वो फिर से पीछे रह गया भाई, फिर से फ्लाई मारेगा। ये पीछे क्यों लेट रहा है, जब भी पास ले रहा है भाई ऐसे पीछे को जा रहा है पूरा। और बाकी भाई मौसम तो देख ही सकते हो क्या ही प्यारा मौसम हुआ है, और राइड पे भी भाई मैं इतने दिनों के बाद निकला हूँ। ओए इसके एंडर को क्या हो रहा है, ओए ओए पहले तो कभी नहीं होता था भाई, आज ही हुआ। ये देखो इसको देखो, ये मौसम बड़ा प्यारा हुआ है भाई, गोल्डन आवर। इसके तो भाई आगे फुल मजे लगे हैं, थोड़ी सी एग्जॉस्ट की फील हम भी लेते हैं।
शैल जी को इसको चलाने के लिए देते हैं और हम शैल जी की चलाते हैं। आ जाइए शैल जी, इसको चला लीजिए, ब्रेक देख लेना अपने हिसाब से। चल 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 लगे जाते, पूरा सीन ही चेंज हो गया भाई। ये देखो भाई एग्जॉस्ट, और देख सकते हो ये रहा अपना बैटमैन जो कि पूरा साइलेंट है। वैसे लग काफी खतरनाक रहा है भाई, आगे से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, बाकी थोड़ा सा एग्जॉस्ट का साउंड सुना देते हैं आपको इतने दिनों बाद, मतलब इतने वीडियोस के बाद। अबे क्या कह रहा हूँ मैं, इसके आगे वाले टायर पे भाई हवा कम है। वो तो भाई पीछे से साइलेंट ही आ रहा है भाई, मजा आता है भाई एग्जॉस्ट के साथ। तो मन तो भाई मेरा कर रहा है फिर से एग्जॉस्ट डाल दूं, पर अब नहीं डालूंगा भाई। इसकी स्कूटी भाई कुछ ज्यादा ही लेट जा रही है, शायद हवा कम है आगे वाले टायर में। जाइए साहिल जी, जरा फ्लाईवा मारिए, साइलेंट फ्लाईवा मारिए जरा, जाइए जाइए। ये देखो भाई, पता भी नहीं लग रहा। ये देखो भाई स्टार्टिंग पिकअप भाई इसका बहुत ज्यादा है। पूरी साइलेंट जा रही है भाई ये तो। और बाकी काफी बंदे भाई बहुत खुश भी हो रहे थे कि मैंने एग्जॉस्ट निकाल दिया है। पता नहीं भाई बंदे ये सब देख के खुश क्यों होते हैं, बस इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना चौड़ो भरे। और बाकी एक मेन रीजन बता देता हूँ भाई, हीट का बता देता हूँ आपको। ये नॉर्मल एग्जॉस्ट है भाई, ये ज्यादा हीट होता है। जो अपना एक्रोबॉबिक था वो तो भाई उतना हीट नहीं होता था, पर ये वाला भाई ज्यादा हीट होता है। मजा आ गया भाई, वो इसकी स्कूटी भी कांप रही है, हवा कम है भाई टायर में, उसकी वजह से हो रही है। अपने सिद्ध भाई कर भाई के पास रुक लेते हैं, सैल जी को थोड़ा सा काम है। काफी बंदे भाई पूछ रहे थे कि भाई की शॉप कहाँ पे है, तो देख सकते हो ये रहा भाई नलखा का हाईवे, और ये परे जो फ्लाईओवर है उसके भाई थोड़ा सा पीछे ये देखो, ये रही भाई की शॉप। किसी को भी आना भाई आ सकता है, कुछ भी बाइक पर काम करवाना तो भाई फुल पावर हो भाई के पास। हाँ जी सैल जी, कैसा लगा आपको साइलेंट स्कूटी चलाकर? बेइज्जती कर रहे हैं मेरी, इलेक्ट्रिक स्कूटी बोल के भाई बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। भाग नहीं रही थी बिल्कुल भी नहीं, और पिकअप भाई इसका काफी ज्यादा कम हो गया है। और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। वो इसको चलाने के बाद इसका पिकअप तो भाई काफी कम लग रहा है। आ जाइए साहिल जी, भगाओ। ये देखो भाई मिड में भाई ये निकल जाती है, पर टॉप एंड में भाई ये निकल जाएगी बड़े आराम से। भाई ये भाग तो रही है, पर एग्जॉस्ट ये रहा उसकी वजह से लग रहा है कि जैसे भाग ही नहीं रही है। और आज तो भाई मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, पर आगे का भाई कोई पता नहीं है कब ब्लॉग आएंगे कब नहीं आएंगे। आज के ब्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो में, अगर भाई आएगी तो। तब तक के लिए बाय।